अस्सलामुअलैकुम, माय यूट्यूब चैनल पोल्ट्री साइंस स्टडी 786, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। हम आज पढ़ेंगे डिजीज़ ऑफ पोल्ट्री। सबसे पहले पढ़ेंगे डिजीज़, हमारा आज का टॉपिक है डिजीज़ ऑफ पोल्ट्री। आपको हम बताएंगे पोल्ट्री के बारे में, आपको इस चैनल पे इंफॉर्मेशन देंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह आपको देंगे जी। सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ में आ जाती हैं इन्फेक्शियस क्रोइज़ा, इसको इन्फेक्शियस क्रोइज़ा आ गई है। उसके बाद ये हमारा काम नंबर टू है क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज़, एवियन रिस्पायरेटरी माइकोप्लाज्मा। नंबर थ्री है हमारे पास इन्फेक्शियस सिनोवाइटिस, ये बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में आपको हम बताएंगे। अगली है फोर है फाउल कॉलरा। फाइव है हमारे पास पास्चुरेला इन अदर डिजीज़। सिक्स है हमारे पास ये ज़ियोनोसियस एवियन फसीडो ट्यूबरकुलोसिस। हमारे पास सेवन है फाउल पैराटाइफोड साल्मोनेलास। एट है हमारे पास फ्लोरम डिजीज़। नाइन है हमारे पास फाउल टाइफाइड। और टेन है हमारे पास डिजीज़ ड्यू टू एस्चर्चिया कोलाई। ठीक है, उसके बाद ये आपको बैक्टीरियल डिजीज़ बता रहे हैं जो बैक्टीरिया से हम पैदा होती है, ब्रेलर्स को, लेयर्स को, उसके बाद ब्रीडर्स को। इसमें अल्जियोनोसिस है। और अगली है अल्सरेटिव इंटरटीस कोयल डिजीज़। थर्टीन है नेक्रोटिक इंटरटीस। फोर्टीन है गैंग्रीनियस कैलकेटस। फिफ्टीन है बूचलिज़म। और सिक्सटीन है नॉन स्पेसिफिक इंटरटीस। सेवनटीन है हेलीबैक्टर हेपेटाइटिस। एटीन है हेलीबैक्टर मैस्चिन को भी इन्फेक्शन। 19 है एवियन लिस्टेरोसिस। 20 है हमारे पास फसीडो मोनस इन्फेक्शियस इन पोल्ट्री। उसके बाद 21 में है हमारे पास ब्रिस्कोलियस इन पोल्ट्री। उसके बाद 22 है हमारे पास स्टिफलोकोकस। 23 है हमारे पास स्ट्रिप्टोकोकाइस। 24 है रिस्पेलियोथ्रिक्स इन्फेक्शन। 25 है एवियन क्लेमाइडोसिस। ये हमारे पास आपको मैंने 25 बैक्टीरियल डिजीज़ बताई हैं जो पोल्ट्री में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये देखें एवियन ट्यूबरकुलोसिस है। 27 है हमारा स्पिरिचुटोसिस। आगे है हमारे पास वायरल डिजीज़ में नंबर वन है न्यू कास्टल डिजीज़, एनडी जिसे कहते हैं, इसे रानी खेत कहते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही ये बात होती है, ये डिजीज़ है जो वायरल न्यू कास्टल डिजीज़ एनडी, जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बताई है इसकी वैक्सीन के बारे में, रानी खेत एंड इसकी कहते हैं। नंबर टू है एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे कहते हैं फाउल प्लेजिज। थर्ड हमारे पास है एवियन ल्यूकोसिस सेरोमा। उसके बाद फोर है हमारे पास मेरिक डिजीज़। फाइव है हमारे पास रेटिकुलोनोडोथेलोसिस। सिक्स है हमारे पास इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ आईबीडी गुम्बोरो डिजीज़, बहुत अहम डिजीज़ है। उसके बाद एनडी, ठीक है। सेवन है आईबी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। एट है हमारे पास बेबी चिक नेफ्रोपैथी बीसीएन एवियन वायरल नेफ्राइटिस। हम आपको ना डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे वीडियोस आती रहेगी, ठीक है। लाइक करना ना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाजमी इसको सब्सक्राइब लाइक करें सपोर्ट करें। अगर डिजीज़ ड्यू टू एवियन रियोवायरसेस, ठीक है। उसके बाद है एवियन निविनो वायरसेस एपीवी। आगे हमारे पास 11 है एवियन इंसेफेलोमेलाइटिस एई। 12 है हमारे पास, आपको जूम करके दिखा देंगे, रोटा वायरल डायरिया। 13 है इन्फेक्शियस रिलिंगो ट्रेकाइटिस आईएलटी। 14 है एवियन पॉक्स। 15 है हमारे पास डिजीज़ ड्यू टू एवियन एडिनोवायरस।
16 है हमारे पास एवियन इन्फेक्शियस एनीमिया एनेमिक डर्मेटाइटिस लाइक सिंड्रोम। उसके बाद 16 है एवियन इन्फेक्शियस एनीमिया, ठीक है। 17 इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस IBH एनीमिया सिंड्रोम। इंक्लूजन बॉडी हमारे पास आपको मैंने पहले बैक्टीरियल डिजीज़ बताई हैं, उसके बाद मैंने आपको ये वायरल डिजीज़ बताई हैं, ये ठीक है। जो बैक्टीरियल थी वो 27 है बताई हैं, वायरल आपको 17 बताई हैं। आगे फंगल डिजीज़ की बात करेंगे। फंगल डिजीज़ में एस्पेरिगलोसिस ब्रोडर नमूनिया जिसे कहते हैं वो हो जाता है, ठीक है। लेयर हो, ब्रैलर हो, चिकन हो, ठीक है, जो भी हो चाहे, ठीक है, उसको हो जाता है। इसमें एस्पेरिगलोसिस ब्रोडर नमूनिया। आगे है फेवस वाइड कॉम, ठीक है। आगे है थर्ड थियरी है फंगल है, ये फंगस से होती हैं बीमारियाँ। आगे ये फीड में हो जाती है, उसमें खुराक में, ठीक है, खुराक ख़राब हो जाती है, फंगस लग जाती है, उससे होती हैं ये। आगे है 4 है माइकोटिक डर्मेटाइटिस, ठीक है। 5 है हमारे पास हिस्टोप्लाज्मोसिस। 6 है हमारे पास ट्रोलोपिस इन्फेक्शन। 7 है हमारे पास क्रिप्टोकोकस। 8 है हमारे पास म्यूक्रोमाइकोसिस, ठीक है। 8 फंगल डिजीज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट है हमारे पास माइकोटॉक्सिकोसिस, ये भी एक डिजीज़ ही है, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिस इसमें है, 2 है ऑस्टियारोटॉक्सिस है। आगे है रूब्राटॉक्सिस है। 4 है फ्यूजरा टॉक्सिस। 5 है मोल्डी कॉर्न डिजीज़। 6 है ट्री मॉर्गन टॉक्सिसिटी। 7 है स्टेक्टोबोट्राइस टॉक्सिसिटी। 8 है हमारे पास ओस्पोरिन एस्ट्रिन टॉक्सन। और उसके बाद आ जाती हैं पैरासाइटिक डिजीज़, पैरासाइट्स, ठीक है, उससे है। 1 है राउंड वर्म अस्कार्डिया गैली इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास अदर डिजीज़ बाय काज बाय नीमाटोड्स। उसके बाद ये वाली है हमारे पास रिमोटोड पैरासाइटिक एक्टोपैरासाइट्स और डिजीज़ प्रोटोजोआ डिजीज़ ऑफ पोल्ट्री। आगे है न्यूट्रिशनल, ये खुराक की बीमारी है, न्यूट्रिशनल डिजीज़, ठीक है। इस पहली है प्रोटीन्स फैट्स थेसी विटामिंस मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सम अदर न्यूट्रिएंट्स। 7 है मिसकेलेनियस डिजीज़ ऑफ पोल्ट्री। आपको मैंने डिजीज़ के बारे में बता दिया है, ये आपको इसको पार्ट्स बताएंगे। पहला है हीट स्ट्रोक डिजीज़ है, हीट स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हम आगे जाके सब पढ़ाएंगे डिटेल में। 5 है स्किन एंड सुपराफिशियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। 6 है डिजीज़ ऑफ हार्ट। 7 है नर्वस सिस्टम। 8 है हेम्योपैथिक सिस्टम। 9 है यूरिनरी सिस्टम। 10 है मेटाबॉलिक डिजीज। 11 है ट्यूमर्स। 12 है पुलर डिजीज़, एवियन मोनोसाइटोसिस, ब्लू कॉम डिजीज़। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एस्कर्चिकन ऑडीमा डिजीज़। 14 है हेमरेज प्रोलीफेरेटिव प्रोवेंट्रिकुलर्स एंड गिजट एरोजन। 15 है मॉनिटरिंग पोल्ट्री हाउस एनवायरनमेंट। उसके बाद आपको ये पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ पोल्ट्री भी है, उसका मटेरियल्स है, आगे आपको डिटेल्स बताएंगे। आपको ये 9 में देखें डिजीज ट्रेसिंग चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस ऑब्जर्व एट पोस्टमार्टम में क्या क्या चीज़ें फाइंड करते हैं। पहली हम देखेंगे इंट्रोडक्शन है डिजीज़ विदाउट इन कफ लेजन माउथ एसोफिगस क्रॉप प्रोवेंट्रिकुलर्स गिजट इंटेस्टाइन लीवर। अगली है हमारे पास स्प्लीन के बाद बर्सा ओफेब्रक्स हार्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ट्रैकिया ब्रोंकाई लंग्स। आगे मुख्तलिफ हैं, हमारी थोड़ी सी लॉन्ग होती जा रही है, हम 10 मिनट्स की वीडियो बनाया करेंगे। और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। सब्सक्राइब और बेल आइकन को आप क्लिक करें ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।